योग दिवस के पावन शुभ अवसर पे योगा फैमिली की तरफ से सभी को हृदय वंदन अभिनंदन है। आपके समस्त पूरे विश्व में करीब 193 कंट्रीज में आज के दिन योगा किया जा रहा है। सर्वप्रथम योग करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं, कुछ सावधानी आपको बता देते हैं ताकि आपको योग से नुकसान न हो, योग से दिक्कत न हो और योग से समस्याएं न हो। योग हमारी प्राचीन संस्कृति की अमूल धरोहर है। योग से हम हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कहा भी जाता है योग एक संपूर्ण लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की विद्या का नाम है योग। अगर हम किसी भी प्रकार की कैसी बीमारियां हो आज योग के माध्यम से निदान किया जा सकता है, इस पर रिसर्च हो रहे हैं। हमारा आयुष एलर्जी क्लिनिक बिजनबारी में 2 वर्ष 2 महीने लगातार हो गया, बहुत सारे हमारे पेशेंट होंगे, जगदीश भाई, किशन भाई, ड्यूटी भाई, सुरेश भाई, हमारे सभी चिल्ड्रेन, इनको सबको योग से इतना ज़्यादा लाभ हुआ है ये अपने मुख से स्वयं बताएंगे, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी का शुगर कंट्रोल हुआ है, प्रेशर कंट्रोल हुआ है, मोटापा दूर हुआ है और चेहरे पर खुशी प्रसन्नता, देखिए कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा सबके। योग से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, चेहरे की खुशी। कहा जाता है संसार में सबसे बड़ा कोई धन है तो प्रथम सुख निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा धन कैसे मिलेगा, योग के माध्यम से मिलेगा। योग कैसे करेंगे, ये बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सभी आज योग की बहती गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। मन हृदय और आत्मा को डुबाने जा रहे हैं, शरीर को आत्मा से छोड़ने जा रहे हैं। योग का काम है जोड़ना, योग का काम है जोड़ना। बाद में शरीर और मन को कैसे जोड़ें कुछ आसन बताए जाएंगे और मन को आत्मा से कैसे जोड़ें कुछ प्राणायाम बताए जाएंगे और आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ें उसके लिए ध्यान और मेडिटेशन कराए जाएंगे। एक एक विद्या आपके सामने 1 घंटे के प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीज़ें को कराया जाएगा। उसके बाद से जैसे योगा डे का प्रोटोकॉल संपन्न होगा, स्टेज पे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें मेरे लिए एडवांस रिदमिक डांस आप देखेंगे, आज तक कभी नहीं देखे होंगे, नटराज ग्रुप का स्पेशल प्रोग्राम भी देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। बस शुरू करने जा रहे हैं योगा डे का प्रोटोकॉल, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, बैठिए दोनों हाथ सीधे, जो भी हमारे चेयर पर बैठे हुए हमारे योगी मित्र भाई और बहन भाई के गणमान्य व्यक्ति हैं, हम चाहेंगे मोहन शर्मा जी बिजनबारी के वरिष्ठ राइटर ये भी योग करें, नियमित योग करते हैं, करते भी नहीं करते हैं। जब हम मणिधारा जाते हैं पानी लाने के लिए नियमित योग करते हैं, आज भी करेंगे, मेरे साथ करेंगे, आइए स्टेज पर चलिए, सीधा बैठ जाएंगे, दोनों हाथ कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, जैसा जैसा बोला जाएगा आप लोग को फॉलो करते जाने करते चले जाना है। आंखें बंद रखें, बिल्कुल शांत, चेहरे पर मीठी मुस्कान, किसी बात की कोई खिंचाव या तनाव नहीं, शांत मन, शांत शरीर, श्वास गहरी, मन को श्वासों के साथ जोड़ लें, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, कमर गर्दन सीधे, स्वर्णिम उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए 3 बार हमारे साथ एक स्वर में सस्वर ओम का उच्चारण करेंगे।
दोनों हाथों को जोड़ लेंगे प्रणाम मुद्रा में, हाथों को जोड़ लें। सर्वप्रथम अपने आराध्य ईश भगवान, जिसको आप जिस रूप में मानते हो, हृदय में स्थान देते हो, कहा जाता है सबका मालिक एक, उसी के ही कृपा से पूरी दुनिया में हवाएं चलती हैं, इंसान श्वास लेता है, उसके बगैर एक पत्ता भी गिन नहीं सकता। उसका स्मरण करेंगे, मंत्र बोलेंगे, आप लोग को रिपीट कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथी जोड़ लेंगे। चेहरे की मसाज करें और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। आप अपने जगह के स्थान पर खड़े होंगे, योग के अभ्यास के लिए पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथ देवी तरफ बाएं तरफ रखेंगे, वज्रासन में बैठिए, लाइन सीधी बनाकर रखेंगे, बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ सीधा रखें। याद रहे मुस्कुराते हुए पूरा योगा करना है, फिर दाहिने पैर को आगे, फिर बाएं पैर को सीधा खड़े हो जाए, हाथ नीचे। प्रोटोकॉल जो पूरी दुनिया कर रही है उसी को हम फॉलो करते हैं। सर्वप्रथम हम गतियों का अभ्यास करेंगे। गतियों के लिए चार गतियों हैं, दोनों हाथ को कमर पर रखेंगे, बिल्कुल सिंपल आसन है, दस लाइन सीधी करके रखेंगे, बिल्कुल श्वासों को छोड़ते हुए अपने अपने गर्दन को आगे हटाना है, आगे हटाने गर्दन को आगे होते हुए पीछे फिर गर्दन को पीछे झुकाएं, श्वास भरते हुए फिर छोड़ते हुए, बिल्कुल एक साथ बराबर है, ना ज़्यादा आगे ज्यादा पीछे मिलाना, फिर आगे झुकाएंगे गर्दन को, मुस्कुराते हुए मन को शरीर से जोड़ते हुए भरते हुए पीछे, फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गर्दन को सीधा करें, इसके बाद से अगला क्रम आता है गर्दन को बाएं और दाहिने झुकाना, श्वास छोड़ते हुए अपने अपने गर्दन को